हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, बज रहे हैं 3, सो के उठ चुकी हूँ मैं और मैं बनाने जा रही हूँ आज फरा। तो मैंने सोचा लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, फरा बनाने का ब्लॉग। तो फिर अभी मैं चल रही हूँ कंघी करूँगी, उसके बाद क्योंकि सो के उठे हैं ना तो बिखर गया बाल बाल, तो उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर लिया है। दोपहर में ही वो क्या बोलते हैं सॉरी उड़द की दाल पीस के रख दिया है, आटा लगा के रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी उसको बेल के टिक्की, उसके बाद फरा बनाऊंगी। फरा बनाने के बाद फिर खाऊंगी, उसके बाद फिर आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैंने सोचा है बनाऊंगी खीर, रात में शाम को मतलब रात में 8-9 बजे तक खीर बनाऊंगी। खीर बनाने के बाद उसको रख दूंगी छत पे खुले आसमान के नीचे। ऐसा सुना है मैंने, ऐसे होता है कि हाँ खीर बनाओ तो गुरु पूर्णिमा के दिन उसको रख दो छत पे खुले आसमान के नीचे, तो उसमें अमृत बरसता है। तो आज लोग अमृत वाली खीर खाएंगे। तो फिर और उसके बाद क्या करेंगे ये मुझे याद ही नहीं है क्या। जिम्मी देखी कैसे भैया डांस कर रहा था, कैमरा खुलते ही भाग गए। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि कैमरे के सामने डांस कर दो, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। यही सबसे आसान तरीका है, जब कोई बात ना सुने तो बस स्टैंड देखें कैमरा ऑन कर दो, बस सब औकात में आ जाएंगे। तुम भी कैमरा फेस करना इतना आसान नहीं है। अरे तो गाना बनो, गाना गा, गाना क्या गाना लो तुम्हारे में हम लगा दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा लाओ गाना लगा दे तब करके दिखा दो। सबसे आसान तरीका कुछ भी हो, अगर ना गुस्सा लग रही हो किसी को भगाने का मन करा कि हट जाए हटे यहाँ से, सबसे आसान है। अब मुझे पता चल गया, अब कमी मिल गई। तो गाइज ये देखिए मेरे यहाँ बन रहा है फरा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में फरा, जुलाई में फरा बना रही है। देखिए ये रहा मेरा उड़द की दाल पीस लिए हैं, डोसा बना देंगे भैया मेरे। यही अभी ना थोड़ा सा इसी चावल के आटे में घोल बना देंगे, अभी देना हम बना देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करके नहीं बना पाती हूँ टिक्की टिक्की। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बेलन से बड़ा सा बेल लेती हूँ, उसके बाद तब ये मैं भरती हूँ। तो कौन कौन ऐसे बनाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए अगर हम ऐसे बनाएं तो ऐसे ऐसे बनाएंगे तब बना पाएगा, ये हमें लगता है पूरा दिन भर हम बनाते ही होंगे। सबसे सही आसान तरीका यही है कि बड़ा सा इतना बड़ा सा ऐसे स्लिप पे बेल लो, उसके बाद ये रही छोटी सी कटनी, इसी से काट लेते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे अब दिखाते हैं आगे। थोड़ा सी इस तरह भरते भरते भी जलाएं क्या, थोड़ा सा लाइट जल जाए। ओ राम जी, इसमें डाले हैं नमक, हींग, जीरा, हरी मिर्च और मेरा पानी हो गया है बॉयल, ऊपर आ गया है पानी, यही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये देखिए मेरे हाथ में भी नहीं लगेगा, ये ऐसे करते ऐसे रख दी। मुझे आटा मिल गया था फ्री का, ये वाह देख मिली तुरंत जेनी। हाँ अभी भेजा तो देखी, अब आएगी तो मैं बना दूंगी पूरी, तब देंगे इसका। ये देखिए मेरा खाना हो गया गाइस, और किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है गाइस बिना संकोच किए बताइएगा। वैसे ऐसी चीज है तो पानी तो जरूर से भी आएगा जिसको पसंद होगा। यहाँ पे बन रही मेरी चाय, ये हो गया मेरा खाना गाइस में, और लाल करो। अरे भाई अभी तो कढ़ाई इसी पर रखी है गैस पे, तो लाल ही तो होगा कि पीला होगा। हाँ लाल करो इसको, तो जला दे कर करा, वैसे रखा रहेगा तो हो जाएगा।
तो गाइज ये देखिए हम लोग कर रहे हैं शाम का नाश्ता, छोटी झूठी भूख वाला। ये चाय और ये फ्राई किया हुआ हरा, देसी घी में फ्राई हुआ है। एक प्लेट खा गए सब लोग, दूसरा है। कैसा बना भैया? तो देख रहे हैं मिर्चा, बाप रे रे, बाप रे रीत जो देखेगा क्या बोलेगा। ये इतना तीखा कुछ नहीं है, इससे भी तीखा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मिर्चे, इससे तीखा तीखा लोग खाते हैं। अरे लोग खाते होंगे यार, भागो, बहुत ज्यादा मिर्चा था। हम भी जल्दी जल्दी ध्यान नहीं दिए, नहीं इतना ना डालते, थोड़ा ही डालते, तीखा लग ही जाता, थोड़ा तो लग ही रहा है। तीखा खाओ, तीखा बोलो। अच्छा गाइज, ये देखिए मेरी खीर बन गई है। मैंने आज कुकर में बनाया था क्योंकि देर अच्छे से पक, देर क्या, अच्छे से पक जाती है। और मैं जा रही हूँ छत पे रखने। चलो री छत पे हमारे साथ लाग, इस ये वाला तो तक रख दे उबल जाए। इतनी सी खीर रखूंगी, उसमें मिला दूंगी, जैसे सुबह ना ये क्या करेंगे, इतनी इतनी रख रहे हैं वो ले लें आटा चलने वाली चलनी, उसे ढक तो तब उसमें मिला देंगे सारे में बड़े में। चलो जी, चलो चलो थोड़ा सा बोलू बुलाऊ बना के रख दे रहे, इसे चलनी से ढक देंगे ताकि बंदर अंदर ना आए, तो फिर रात में आए गर्दी।